Purani Delhi, at the bank of river Yamuna is an area in the center of Delhi. It was founded by Shah Jahan as a walled city named as Shah Jahanabad.It remained heart of Delhi for centuries and now can be known as city of Havelis. Only a few of them are left and maintained. Let us now try to understand our glorious past by knowing about these Havelis. Kya aap kabhi Delhi ghoomne aaye Kabhi हर गली व कूचे में आपको धर्मशालाएं व हवेलियां देखने को मिल जाएंगी मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने यहां शासन किया है अंग्रेजों और मुगलों के जमाने की कई इमारतें आज भी मौजूद हैं, जो उन दिनों की याद दिला देती है चांदनी चौक सड़क के दोनों ओर हवेलियों के दर्शन हो जाएंगे दिल्ली के हर गली कूचे में आपको हवेलियां देखने को मिल जाएंगी इसीलिए दिल्ली को हवेलियों का शहर भी कहा जा सकता है ये हवेलियां दिल्ली के अतीत को वर्तमान से जोड़ती है सभी हवेलियां अपने में एक इतिहास समेटे हुए हैं। आज भी आप जैसे ही इन गली कूचों में प्रवेश करेंगे तो आपको भारत का रहन सहन रीति रिवाज तीज त्योहार पर्व संस्कृति देखने को मिल जाएगी आपको विभिन्न धर्मों के भाषा भाषी आते जाते मिल जाएंगे छोटे प्रवेश द्वार की इन हवेलियों के अंदर हमारी संयुक्त परिवार की जीती जाती परंपरा देखने को मिल जाएगी इन हवेलियों में एक दर्शक दीर्घा सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त और गर्मी से राहत देने के लिए छत व तहखाने भी देखने को मिल जाएंगे अधिकतर ईरान अफगानिस्तान व अन्य देशों के व्यापारी व पर्यटक आज भी इन हवेलियों में ठहरते मिल जाएंगे वैसे तो दिल्ली की हर गली व कूंचा हवेलियों से भरा है काफी कुछ खंडित हालातों में है लेकिन कुछ है जो बची है उनमें छुनामल की हवेली बेगम समरू या जीनत महल की हवेली आदि आपको पुरानी यादों और आश्चर्य दोनों से भर देंगे सबसे बड़ी बात है कि इन हवेलियों को महसूस भर करने से हम अपने अतीत को महसूस करते हैं जहाज महल लोदी काल में बनी इस इमारत का नाम जहाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि हम महल का प्रतिबिंब हौज ए शमसी के पानी में देख सकते हैं जफर महल यह मुगलों के आखिरी महलों में से एक है जफ़र महल का निर्माण मुग़ल शासक अकबर शाह द्वितीय ने 19वीं सदी की शुरुआत में करवाया था जिसमें कई मुग़ल शासक जैसे शाह आलम और शाह आलम द्वितीय की कब्र भी शामिल है जीनत महल चांदनी चौक की पुरानी गलियों में इसके दरवाजे अभी भी आते जाते लोगों को ताकते रहते हैं चुनामल की हवेली चांदनी चौक की सबसे जानी मानी संरचनाओं में से एक इस हवेली निर्माण लाला चुन्नामल ने करवाया था इस 128 कमरों वाली राजसी हवेली में किस तरह समय के अनुरूप फैंसी कार्पेट फानूस मनहगी पेंटिंग कुक और कैलवी की घड़ियों के साथ अपने शाही ठाट को बनाए रखा है मिर्जा गालिब की हवेली चांदनी चौक के बल्ली मारान में गली कासिम जन्म स्थित यह हवेली भारत के सबसे विद्वान कवि मिर्जा गालिब का निवास स्थान रही है बंगश का कमरा राविया बेगम ने बाजार मीर खान में एक हवेली बनगश का कमरा का निर्माण भी कराया इसका संबंध मिर्जा गालिब से भी था जीनत महल की हवेली जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि यह हवेली खास तौर से एक खूबसूरत मल्लिका के लिए बनवाई गई थी लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो इस हवेली में आपको प्रेतों का वास मिलेगा अक्सर हवेली ये वो हवेली है जिसमें जवाहरलाल नेहरू का विवाह हुआ था